जहां एक ओर शासन प्रशासन शिक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे कर हर जिले में सीएम राइज स्कूल खोलने की बात कर रही है, तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों के हालात बस से बदतर होते जा रहे हैं। ऐसा ही एक स्कूल खरगोन जिले के गोगांव विकास खंड के कोटा बुजुर्ग में है। स्कूल में शौचालय तो बना हुआ है मगर पानी नहीं। शिक्षक का कहना है कि बच्चे अपने घर से ही फ्रेश होकर आते हैं, किचन सेट तो बना है मगर उसकी हालत इतनी जर्जर है कि खुद शिक्षक ही कह रहे हैं कि खाना किचन सेट में नहीं बन पाता है। समूह वाले घर से बना कर लाते हैं। जिस दिन अधिक बारिश होती है तो छत इतनी टपकती है कि उस रोज छुट्टी करना पड़ती है। पहली कक्षा से पांचवी तक 60 बच्चे दर्ज हैं। नई शिक्षा नीति सरकार ने बना दी है लेकिन नई शिक्षा बच्चों को मिलना प्रारंभ नहीं हुई है। 3 शिक्षक 5 कक्षाएं हैं। 1 शिक्षक को चुनावी काम में लगा दिया जाता है। स्कूल के 2 कमरों में 5 कक्षाओं के बच्चे बैठते हैं। बरूड से रामेश्वर कुमरावत की रिपोर्ट। 8 का बोल। 5वीं। क्या नाम है? समर्थ है। समर्थ समर्थ गिनती कहाँ तक आती है? 100 तक है। 100 तक। और पहाड़े 11 तक आता है। 11 तक आ जाते पूरे। और अंग्रेजी लिख लेते हो? नहीं आती। इंग्लिश में आपका नाम लिख लेते हो? नहीं आता। आपके नाम की स्पेलिंग आती नहीं? आपको नहीं आती। हिंदी में तो लिख लेते हो? हिंदी में लिख लेते। सर, स्कूल में जो देख रहा हूँ कि शौचालय, किचन सेट और स्कूल के अंदर छत टपकना भी बताया जा रहा है, इसी सारी अव्यवस्थाएँ हैं, तो इन समस्याओं के बारे में आप क्या कहेंगे? वो समस्याओं के बारे में समय समय पर हम हमारे विभाग को जानकारियाँ देते रहते हैं। जैसे सांख्यिकी की जानकारियाँ मांगते रहते हैं तो उसमें हम यहाँ की व्यवस्थाएँ कमियाँ बता देते हैं। अब वहाँ से आगे से कोई खाना पूर्ति नहीं पूरी होती ना, उधर से आते ही नहीं कोई। अभी एक इंजीनियर महोदय आए थे, वो तो यहाँ से एस्टिमेट बना करके ले गए थे, लेकिन फिर आगे कुछ नहीं हुआ उसके। क्या नाम लिखते हैं? मैं कैलाश कुमावत। कौन से पद पर हैं? मैं सहायक शिक्षक हूँ, पर अभी कोई प्रधान पाठक यहाँ स्थायी है ही नहीं, तो प्रभार मेरे को दिया गया। सर, ये जो शौचालय में जैसे पानी की व्यवस्था नहीं है और किचन सेट भी पूरा क्षतिग्रस्त हो चुका है, जहाँ पर खाना भी बन रहा है, आपके हिसाब से खाना भी बन रहा है, तो आप कैसे क्या चलता है फिर? खाना तो ये समूह वाले उनके घर से बना के खिला रहे हैं, क्योंकि भवन की स्थिति इतनी दयनीय है कि कभी भी कुछ हो सकता है, गिर सकता है। और शौचालय की स्थिति भी आपको अच्छी तरह देख रहे हैं, इनमें बिल्कुल कुछ भी व्यवस्था नहीं है। छत मैंने स्कूल की छत तो बारिश में बिल्कुल ये समझो कि 24 घंटा अगर पानी गिरता है तो हमको बच्चों को छोड़ना पड़ता है। मतलब ज़्यादा पानी गिरता है तो पूरा बिल्कुल बस्ते छुट्टी करना पड़ती है। छुट्टी करना पड़ती है हमको। और जैसे आपके यहाँ जैसे शौचालय की ऐसी स्थिति है लेट बात की, तो जैसे एक मैम भी है, फिर उनके कैसी स्थिति? उनके लिए यही बच्चे जैसे करते हैं और क्या, वो भी पानी लेके जाते हैं ऐसा, अब क्या करें, इमरजेंसी कहाँ पर जाए। क्या नाम आपका? सुभाष सिंह निगवाल, सहायक शिक्षक। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।